नमस्कार दोस्तों, कानपुर गुरु जी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट टू में। तो पार्ट वन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो अगर आप वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो आप वीडियो आप देख सकते हैं। तो पार्ट टू में हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपात और कॉमा दो संख्याओं के 5 और 22 के मध्यानुपात का 3 गुना है, तो वह निश्चित संख्या क्या होगी। तो अब हमें संख्या के बारे में तो दिया हुआ नहीं है, तो हमने मान लिया कि वो माना उस संख्या कौन सी होगी, वो संख्या होगी x, ठीक है। तो अब 45 45 अब हमें पहली जो संख्या दे रखी थी 45 और x, इसका मध्यानुपात निकालना है। तो इसका जो मध्यानुपात होगा वो कितना होगा, 45 गुणे x, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो है, ये जो दो संख्याएं दे रखी है 5 और 22 के मध्यानुपात का 3 गुना है। तो 5 और 22 का जब मध्यानुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 22। तो ये हो जाएगा 5 और 22 का जब मध्यानुपात निकालेंगे। तो अब ये कह रहा है जो इसके मध्यानुपात का 3 गुना है, मतलब इससे जो है ये 3 गुना बड़ा है, ये 3 गुना बड़ा है, इधर वाली जो संख्या है ये 3 गुनी बड़ी है इससे। तो अब ये बड़ी है तो हमने क्या किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं। अब बराबर हो गई, दोनों संख्या बराबर हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 45 × x इज इक्वल टू 9 × 5 × 22, ठीक है। तो 9 × 5 = 25, 45 हो जाएगा, ये 45 से 45 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। तो x का जो आंसर आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 22। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। अब दोनों में 9 घटाया जाता है तो अनुपात 12 अनुपात 23 हो जाता है, तो संख्याएं बताओ। तो अब इसको दो तरीके से देखेंगे। पहले तो जैसे कि मान लीजिए दे रखा है, पहले संख्या दे रखी है 3 और 5 के रेशियो में दे रखी है, ठीक है। तो हमने कहा जो संख्याएं होंगी वो होंगी 3x और 5x होंगी, ठीक है। तो अब 3x में से 9 घटाया और 5x में से भी हमने 9 घटा दिया, ठीक है। दोनों जो होंगी वो किसके बराबर होंगी, दोनों जो होंगी वो 12 बटे 23 के बराबर होंगी, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने कहा 23 × 3 कर देंगे, 23 × 3x - 23 × 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 12x - 9 × 12, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 69, ठीक है, 69x। और इसका करेंगे तो 9 × 27 की 7 + 2 और 9 × 2 = 18 = 20, ये हो जाएगा 260, ठीक है। और अब करेंगे 12 × 5 = 60, तो 60x ये हो जाएगा, और माइनस 12 × 9 = 108, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108। तो अब इसको घटा देंगे तो ये इसको जब हम इस साइड उठा के लाएंगे और इसको हम उठा के इस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो जब इसको ये इधर लाएंगे तो ये जाएगा 69 में से ये जाएगा 60, तो 9x बचेगा। और जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो 207 में से 108 जाएगा तो कितना बचेगा, 99 बचेगा, ठीक है, 99 बचेगा। तो 9 से जाएगा 11 टाइम्स में, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 11। अब पूछ रहा है संख्याएं बताओ, तो संख्याएं पूछ रहा है, तो x जब अगर 11 है तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 3 × x है, तो x की जब हम 11 रख देंगे तो 3 × 11 कितना हो जाएगा, 33। और 5 × x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 11 यानी कि हो जाएगा 55। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी नंबर। तो ये तो हो गया एक तरीका जिससे हम करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका जिससे हम इसको बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, उससे हम इतने कैलकुलेशन बचा सकते हैं,
ठीक है, तो उस मेथड की वजह से, तो चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जैसे संख्या दे रखी, तो हमने कह दिया 3x है, ठीक है, और 3x माइनस 9 है, घटाया गया, और नीचे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 9 और इजिकल टू जो हो जाएगा 12 अपॉन 23। ठीक, तो हमने इसको क्या किया, इसको ना घटाते हुए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करते हुए, सीधे सीधे हम कर देंगे इसमें योगांतरा अनुपात लगा देंगे। तो योगांतरा अनुपात आपने पढ़ा होगा, योगांतरा अनुपात लगा देंगे, ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो योगांतर अनुपात लगाएंगे तो ऊपर संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 8x, ऊपर हो जाएगा 8x और माइनस कितना हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएंगी। जब नीचे करेंगे तो इसमें से a में से b घटेगा, तो a में से जब b घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x, और इसको जब ऊपर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 3 35 हो जाएगा, और जब नीचे इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है, तो माइनस से माइनस चला गया और 2 चला जाएगा इससे, कितनी बार में 2 चला जाएगा, यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये जो क्रॉस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 इंटू 4 44x माइनस 99 इजिकल टू 35x, ठीक है। तो अब 19 को उधर ले जाएंगे, 35 को इधर ले जाएंगे, तो इधर ये हो जाएगा 5 और 9 हो जाएगा, मतलब ये 44 में से जब 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 99, ये 9x है, ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 11, तो ये आ गया 11। अब 11 आ गया तो 3x और 5x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू 11 हो जाएगा 33 और 5 इंटू 11 हो जाएगा 55, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर। तो योगांतर अनुपात में होता है क्या, जैसे कोई संख्या दे रखी ए अपॉन बी इजिकल टू सी अपॉन डी, तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम योगांतर अनुपात लगाते हैं तो नी ऊपर क्या होता है, पहले जुड़ जाता है ए प्लस बी, और नीचे होता है ए माइनस बी इजिकल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। तो इससे हुआ क्या कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो काफ़ी कम हो गया, ये तो अभी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा थोड़ा टाइम, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा इसकी मदद से, अगर इस क्वेश्चन इसके हिसाब से आप करेंगे तो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आपका काफ़ी बच जाएगा। जैसे 23 इंटू 9, तो उसका कैलकुलेशन करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस तरीके से करने से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है दो संख्याएं 15 और 19 के अनुपात में से क्या घटाया जाए कि जो इसका रेशो आ जाए वो 3:4 आ जाए। तो हमने कहा इसमें हम सीधे सीधे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, योगांतर अनुपात वाला। तो 15 हमने कहा कोई संख्या होगी हमें पता नहीं है, माइनस एक्स है, ठीक है, अपॉन में 19 माइनस एक्स कर दिया। अब जो इसका रेशो आएगा 3:4, अब अगर हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो हम उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम सीखेंगे उसको। तो हम करेंगे योगांतर अनुपात लगाएंगे। तो क्या करते थे, योगांतर अनुपात में होता क्या था, अगर कोई संख्या दे रखी है ए अपॉन बी इजिकल टू सी अपॉन डी, तो हम करते क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इजिकल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो पहले ऊपर और नीचे वाली संख्या को जोड़ के ऊपर लिख देते हैं, तो जब 15 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 19 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, और ये माइनस माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको घटाएंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो एक्स टू एक्स तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, 15 में से 19 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा, ठीक है, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे ऊपर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 7, ठीक है, और जब नीचे घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा -1, तो माइनस से माइनस ख़त्म, ठीक है। अब ये हो जाएगा
फोर इंटू सेवन 28 हो जाएगा, 34 माइनस 2x इजिकल टू 28 हो जाएगा। 2x को उठा के इधर ले जाएंगे और 28 को उठा के इधर लाएंगे और 2x को उठा के हम उधर ले जाएंगे, तो 34 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा 2x के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल गई कितनी, 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो देखा हमने कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको 13 का टेबल नहीं आता तो ये 3 × 7, 3 × 19 करना पड़ेगा, 15 × 4 करना पड़ेगा। यहाँ तो मान लीजिए कोई सरल संख्या है, अभी तो काफ़ी सरल संख्या, अगर कोई बड़ी संख्या दी होती तो और दिक्कतें होती। तो इसकी मदद से क्या होगा कि एक संख्या तो काफ़ी छोटी हो जा रही है, देख रहे हैं यहाँ पे 4 हो जा रहा है, यहाँ पे 1 हो जा रहा है, पिछले में भी देखा था कि हमने काफ़ी छोटी संख्या हो जा रही थी, तो इससे जो इसका जो कैलकुलेशन पार्ट हो जा रहा है वो काफ़ी कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका यूज ज़्यादा, ये जो है ज़्यादा सही है, लेकिन आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसको कर सकते हैं आसानी से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 15 × 4 कर देंगे, 19 × 3 कर देंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जिससे कि जो हम कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 5:9:4, ठीक है। और कुल अमाउंट जो दे रखा है वो दे रखा है 206 रुपये। तो कुल अमाउंट है 206 रुपये। तो जो सिक्कों की संख्या होगी 5x जो हैं, 5x सिक्के जो हैं वो 50 पैसे के हैं, कितने, 50 पैसे के हैं। और जो ये 9x सिक्के हैं ये कैसे हैं, 25 पैसे के हैं, ठीक है। तो ये 25 पैसे के सिक्के हैं। बचे हुए जो 4x सिक्के हैं वो कितने रुपए के हैं, 10 पैसे के हैं, तो 10 पैसे के हैं, ठीक है। और टोटल अमाउंट जो है 5x + 9x + 4x जो होगा वो 206 रुपये के बराबर होगा, लेकिन एक कंडीशन है, 206 के बराबर तब होगा कि मान लीजिए जैसे ये 5x सिक्के हैं, ठीक है, तो ये 50 पैसे के सिक्के हैं ना, तो अगर हम मान लीजिए 10 सिक्के होते, 10 सिक्के होते 50 पैसे के, तो उसका अमाउंट कितना होता, 5 रुपये होता, रुपये में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5 रुपये होगा। तो यानी कि 10 था तो 5 हो गया, तो हाफ कर दिया इसका जितने भी सिक्के थे। तो यहाँ पे अब टोटल कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 5x हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, आधे कर देंगे, तब ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 9x, तो 9x है 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के अगर सिक्कों को हम कह दें कि हमारे पास 20 सिक्के हैं, या फिर हम कह दें 20 सिक्के हैं, ठीक है, तो 20 सिक्कों को हम अगर रुपए में कन्वर्ट करें 25 पैसे के, तो अमाउंट कितना आएगा, 5 रुपये। हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 25 पैसे के सिक्के होंगे तो 1 रुपया होगा, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो अमाउंट आ गया। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करेंगे, 25 पैसे के सिक्कों को 1 रुपये में बराबर करने के लिए कितने हैं, 25, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये रुपये में कन्वर्ट हो गया। अब जो दे रखा है ये 4x, 4x है जो है 10 पैसे के सिक्के हैं, तो अगर हमें 10 पैसे के सिक्के हैं और अगर 10 सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे तब जाके वो 1 रुपये में कन्वर्ट होगा, यानी कि हमने 10 में से इसमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 10 से, ठीक है, तो 10 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो अब ये रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो जो इसका रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा, अगर हम एलसीएम ले लेंगे नीचे तो आएगा 20, ठीक है, 20, तो 2 से जाएगा ये 10 बार में, तो ये हो जाएगा 50x, ठीक है। अब 9, 4 जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 45x, ठीक है। अब ये 10 जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा, 8x, ठीक है। और ये टोटल जो है वो 206 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे, 45, 50, 95 और 95 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 103। तो ये हो जाएगा 103x।
और 20 जो है वो 206 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 103 जो है ये इससे चला जाएगा कितने टाइम्स में, टू टाइम्स में। तो एक्स जो आ गया वो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा कितना 40। तो एक्स जो था ये आ गया 40। तो अब हमसे पूछ रहा है कि सिक्कों की अलग अलग संख्याएं बताओ। तो जो ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं वो 5x हैं, तो जो 5x हैं तो 5 × x, तो इसमें 40 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 200 सिक्के हैं। जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 200 हैं, और 9x हैं ये 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 9 × 4 कितना हो जाएगा 36, 360 हो जाएंगे। तो जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे 360 हो जाएंगे। अब 10 पैसे के सिक्के जो हैं वो 4x हैं, तो 4 × 4 40 कितना जाएगा 160। तो जो 10 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे 160 हो जाएंगे, और 25 पैसे वाले हो जाएंगे कितने 360, और 50 पैसे वाले जो सिक्के होंगे वो कितने हो जाएंगे 200। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा सी। तो हमें बस करना क्या था, उसको हमें जो पैसे में दे रखा था उसको हमें रुपए में कन्वर्ट कर लेना था, और टोटल अमाउंट दे रखी थी तो हमें बस उसको बराबर कर देना था और इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें वो आपको आसानी से मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।